जय हिंद, जय भारत। दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। दोस्तों काफ़ी सारी चक्की ऐसी जगह पर होती है दोस्तों, जहाँ पर लोग कम रहते हैं, जहाँ पर आबादी कम होती है, उसकी वजह से जो पिसाई आनी होती है वो लिमिट में आती है। जितनी आबादी होती है उस हिसाब से पिसाई आती है दोस्तों। कई जगह पर कैसा होता है, कहीं छोटा गाँव होता है तो वहाँ पर उस हिसाब से पिसाई आती है, या फिर क्या होता है अगर बड़ा भी गांव है और एरिया भी बड़ा है दोस्तों, जहां पर हमारी आटा चक्की है तो वहां पे चक्की ज़्यादा होती है, तो सभी में पिसाई बटी हुई होती है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे लोगों के लिए खास करके, और जो मैं जो बताने जा रहा हूँ ऐसे लोगों के लिए खास करके, और शायद आप भी करना चाहें जिसकी पिसाई ज़्यादा आ रही है, और आदमी लोग है, घर के लोग ज़्यादा है दोस्तों काम करने में, भाई या पिताजी हो या कोई भी आपका बेटा हो, कोई भी दोस्तों घर में आपकी हेल्प करने वाला हो अगर आपकी चक्की में, आटा चक्की में, तो आप भी मैं बता रहा हूँ उस तरह आप कर सकते हैं ताकि आपकी भी साइड में इनकम बढ़ा सके दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ भी जो बाहर का एरिया होता है, गांव के बाहर का एरिया होता है, वहाँ पे आटा चक्की, तो वहाँ भी कई सारे लोग हमारे यहाँ भी करते हैं दोस्तों, जो मैं भी बता रहा हूँ उस तरह। तो काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं दोस्तों कि एक चक्की पर मैंने देखा था कि एक भाई चक्की चला रहा था, और अभी अभी नया उन्होंने चालू किया है, साइड में सब्जी का भी चालू किया है उस एरिए के हिसाब से, क्योंकि उस एरिए में सब्जी वाला नहीं आता था और काफ़ी दूर लेने जानी पड़ती थी वहाँ के लोगों को। तो दोस्तों वहाँ पे उसने सब्जी का चालू किया, तो जितना चक्की कमा के दे रही थी अब वो सब्जी में भी उतना ही कमा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपके वहाँ भी कोई आपका साथ देने वाला, आपके वहाँ घर का कोई व्यक्ति हो या कोई आदमी हो, आदमी हो दोस्तों, तो आप भी उस तरह सब्जी का भी कर सकते हैं। और दूसरा, मैं एक बार गाँव गया था, तो बार गाँव भी मैं शादी में होकर आया था, तो वहाँ भी मैंने देखा दोस्तों कि वहाँ पर मजदूर वर्ग ज़्यादा था, तो शाम को मजदूरों की बहुत ही गिरागी लगती थी दोस्तों। तो उसने क्या किया था कि जितनी भी पिसाई के जो हमारे आइटम आती है ना, गेहूँ आता है, बाजरी आती है, ज्वार आती है, मकाई आती है, चावल आता है, जो भी आता है दोस्तों, तो वहाँ के मजदूर कहीं दूर से लेने नहीं जाते थे, क्योंकि मजदूर जैसे ही काम पर छूटते थे, पहले क्या होता था कि वहाँ के लोगों को मैंने पूछा ना चक्की वालों को, तो उन्होंने बताया कि पहले क्या करता था कि जो जहाँ बेचते तेल बेचते, साबुन बेचते, करियाने का माल बेचते, तो वहाँ से लेके आते थे और फिर यहाँ पिसवाते थे। तो अब हमने क्या किया कि यहाँ पर ही हम सब रखते हैं, जैसे कि जो भी पिसाई के आइटम जो भी होती है हम सब यहाँ ही रखते हैं, तो जो हमारा जो ग्राहक है उसे कहीं लेने जाने की जरूरत नहीं पड़ती, और दो पैसे का हमें भी फ़ायदा होता है, और शाम पड़ते पड़ते 300-400 रुपया हमें उसमें से ही मिल जाता है। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, तो मैंने कहा ये आइडिया आपके साथ शेयर करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों वैसे उन लोगों ने साइड बिजनेस अपना स्टार्ट किया दोस्तों, चक्की का तो चालू था, साइड में वो भी स्टार्ट किया ताकि उसमें से भी थोड़ी बहुत आवक हो सके। और दूसरा उन्होंने क्या किया, गेहूँ बाजरी मक्का ये सब तो वो रखते ही थे, उसका आटा बना के वो भी बेचते थे। तो दोस्तों वो कच्चा माल भी रखते थे और पीस के भी रखते थे, तो दोनों में से उनकी आवक बढ़ गई, और जो पिसाई का लोकल काम चलता था वो भी उनका चालू है दोस्तों। और जितना भी लोकल ग्राहक की पिसाई करके जो पहले वो कमाते थे वो तो वो कमाते हैं दोस्तों, फिर ये सब गेहूँ रख के, फिर गेहूँ का आटा रख के, मकई का आटा रख के, ज्वार का आटा रख के, जैसा भी इनको वहाँ ज़रूरत है उस हिसाब से वो आटा रखते और उसमें से भी कमाते दोस्तों। तो उनकी डबल आवक हो गई, जितना उसमें से कमाते थे उतना अब इसमें से भी कमाते हैं दोस्तों। तो उस तरह भी हम अपने आटा चक्की में हम ये सब चीज़ें भी हम कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको या मुझे कोई भी ये बिजनेस अगर इस साइड में करना चाहे, तो हमें पहले ये देखना होगा कि हमें उस एरिए में ऐसी कौन सी ज़रूरत है ग्राहकों को, कि जो वो दूर लेने जाता है और उसके वो नज़दीक आ जाए तो उनको भी फ़ायदा होगा, उनको दूर नहीं जाना पड़ेगा, हमको भी दो पैसे का फ़ायदा होगा दोस्तों। तो हमें आपको ऐसा नहीं करा कि ये बता रहा वही कीजिए, या सब्जी का बताया तो वो कीजिए, या फिर आटे का या गेहूं का या किसी भी चीज़ का मैंने बताया तो ये कीजिए, पर दोस्तों आप जो आपके एरिए में जिस तरह को ग्राहक की ज़रूरत हो, तो दोस्तों आप अपने वहाँ चेक कीजिए, सर्वे कीजिए कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो ग्राहक हमारा बहुत दूर जाता है उसे ज़रूरत है, और वो पास हमारे पास से मिल जाए तो वो दूर नहीं जाएगा, हमसे ही लेगा, उसे भी राहत होगी और हमें भी दो पैसा मिलेगा। तो उस तरह की चीज़ आप सोचिए, और आपके बजट में भी हो वो भी ज़रा सोचिएगा दोस्तों, ऐसी चीज़ जो सोचिएगा आपके बजट में भी हो और ग्राहक को भी तकलीफ़ ना हो और आपको भी फ़ायदा हो दोस्तों। लेकिन दोस्तों पहले भी बताया था, फिर से मैं आपको बता दूं ताकि आपके ख्याल में रहे,
आटा चक्की चलाते चलाते अगर आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं तो खास करके एक बात ध्यान रखिएगा कि आपके पिसाई कम आ रही है तभी कीजिएगा, बाकी आप क्या होगा कि आप अपनी ग्राहकों में जान नहीं दे सकोगे, जो चक्की के जो ग्राहकार है उसमें जान नहीं दे सकोगे और जो आपने बिजनेस स्टार्ट साइड में किया उसमें भी पूरा जान नहीं दे सकोगे। तो दोस्तों अगर आप दोनों में पहुंच सकते हो, आपको इतनी खबर है, आपका इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं दोनों में पहुंच जाऊंगा, तभी करिएगा। और हाँ, अगर फिर भी आपकी पिसाई भी ज़्यादा है और आपको हेल्प करने वाला कोई घर का व्यक्ति है तो ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि आपकी आवक इनकम बढ़ सके दोस्तों। और दोस्तों अगर घर का कोई इंसान नहीं है, आपके वहाँ कोई काम पर आपने रखा है, वो आपकी हेल्प करना चाहे उसको पगार बढ़ा के, तो आप उसकी भी हेल्प ले सकते हैं, पर आपको कोई साथ देने वाला होना चाहिए। आप अकेले हैं और आपकी पिसाई भी ज़्यादा आ रही है और फिर भी आप साइड में बिजनेस करना चाहते हो तो दोस्तों दोनों में आप नहीं पहुँच सकोगे। जैसे कि मैं हूँ तो दोस्तों मैं अगर स्टार्ट करना चाहूँ तो मैं नहीं पहुँच सकता, क्योंकि मेरे पास इतनी पिसाई आ रही है कि दोस्तों मैं दूसरा बिजनेस साइड में नहीं कर सकता। तो दोस्तों अगर मुमकिन है तो ही कीजिएगा, अगर आपको लगता है कि मैं दोनों में नहीं पहुँच सकूँगा, मैं नहीं संभाल सकूँगा तो दोस्तों मत कीजिएगा। आपको लग रहा हो कि दोनों में संभाल सकूँगा फिर तभी कीजिएगा, आपको कॉन्फिडेंस अपने आप पर पूरा होना चाहिए, आपका कोई साथ देने वाला होना चाहिए। चलो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत दोस्तों।